आ रहा है ये आप सब सब तक लाने के लिए, और वो है हमारी इंडस्ट्री की एक बहुत जानी मानी डायरेक्टर, और अब वो डिजिटल स्पेस में भी कमाल धमाल कर रही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर जोरदार तालियां बजाओ फराह खान मैम के लिए। इशारों पे चलाते हो या इन लोग आगे चले जाओ? व्हाट इज हैपनिंग? सब लोग आगे चले जाओ यार, ये चार मुचकंडे जो है ना, हाँ, अंदर नहीं आने दे रहे। हाउ डेयर दे? हाँ एग्जैक्टली, हाउ डेयर यू? अंदर इसके तो मुछ भी नहीं है, फिर भी अंदर नहीं आने दे रहा है मुझे। थोड़ा अंदर आओ, आइए आइए, थोड़ा दिखाओ तो, थोड़ा डराने की कोशिश तो करो। आप मुझे अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं ये लोग। ओके, और क्या तरीका है, व्हाट डू यू थिंक, इससे कैसे निजात पाई जाए? There's only one person, एक ही जाना है जो हेल्प कर सकता है। भीम, कम ऑन। और आप सबको डरा रहे थे ना अभी, चिल्ला के कैसे बता रहे थे, इनको भी बता दो सारा सबको। बारा मैम जोश देख रहे हो, आपके फिल्म सेट पे इतना जोश नहीं होता होगा जितना यहाँ है। मैं तो नेक्स्ट फिल्म बच्चों के लिए ही बनानी पड़ेगी आई थिंक। आई एम श्योर, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ बात करने वाले बिगेस्ट किड्स और फैमिली एंटरटेनर ऑफ 2024 समर, दैट इज छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ दमयान, लेडीज एंड जेंटलमैन। We have this very special guest, Farah ma'am, जो यहाँ पर आई है अपनी best wishes इस टीम को देने के लिए। क्या हो रहा है? Yes, क्योंकि मैं यहाँ ट्रेलर लॉन्च करने आई हूँ। I actually volunteered myself, क्योंकि जब मेरे बच्चे ये साइज और ये उम्र के थे, they were obsessed with छोटा भीम, तो मैंने सारे छोटा भीम की जो सीरियल आती थी वो पूरी देखी, so I know everyone by heart, राजू, छोटा भीम, ढोलू भोलू, करेक्ट, कालिया, छुटकी एंड राजकुमारी इंदुमती। अमेजिंग। मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा राजीव चलका साहब, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, द मैन बिहाइंड दिस एंड द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। यस, उनकी विजन है ये जिसको बड़े पर्दे पे देखने वाले हैं। लेकिन एक्चुअली पहली बार हो रहा है कि हम छोटा भीम लाइव एक्शन में देखेंगे, क्योंकि हमने हमेशा एनिमेटेड में देखा है। राइट, एंड आई विश कि मेरे बच्चे आ सकते, बट एज वी स्पीक राइट नाउ दे आर डूइंग 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम। ओके मैम, इतने दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड, इतने बड़े हो गए। यस, पता ही नहीं लगा। मैं भी बड़ी हो गई पता लगा। ग्रीन गोल्ड स्टूडियोज के बिहाफ पे एक बार वापस से आप सबको मैं बता दूं कि ये समा छोटा भीम और इस भीम सेना के साथ बहुत कमाल होने वाला है। एंड अभी के लिए बच्चा पार्टी, क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, लाइक फराह मैम आई हैं, बड़े बड़े लोगों को अपने इशारों पे इन्होंने नचाया है, सो कुछ करना चाहिए ना हमें मैम के साथ या नहीं? हाँ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पढ़ाई नहीं, हमारे सॉन्ग का हुक स्टेप करना चाहिए, देखते हैं कि मैम कर पाती है कि नहीं। मुझे नहीं लगता। मैम व्हाट डू यू थिंक, विल यू बी एबल टू लाइक, कर पाएंगे आप इनके साथ वो? आई कांट डांस एज वेल एज दीस किड्स फॉर श्योर, बट आई विल ट्राई। ओके, आई थिंक सब लोगों को करना चाहिए हुक स्टेप। ओके बच्चा, सब करेंगे? आई थिंक दैट मैम कैन डू इट। What do you think? Like, अभी मैम बता रहे थे और अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे हैं। मोबाइल क्या बोला था, क्या बोलना है तुझे यार?
काम करते हैं, शैल वी लाइक गो अपस्टेयर्स मैम ट्रेलर के लिए? अरे भाई ये सब तो आ गए, बट मेन विलन का है पिक्चर का? ओ हाँ हाँ हाँ, मेन विलन को एंट्री कराएंगे क्या? है हमारे साथ? कहाँ पर है? आर यू एक्साइटेड फॉर हिज एंट्री? तुम्हारा दुश्मन आने वाला है? बिल्कुल। कांपी की धरती धराएगा इंसान, राज करने आएगा अब दामियान। ओ जान इन लोगों ने बचा ली, अब मुझे लगता है हमें वी शुड गो अपस्टेयर्स टू टेक अ लुक एट द ट्रेलर। कालिया व्हाट डू यू हैव टू से? जिसके लिए हम डेफिनेटली हम सब ट्रेलर देखने आए हैं, तो हम देखेंगे अभी, चलो। ये तो मेरा भी काम खत्म कर दिया उसने, कालिया ने इतने जोश के साथ। जोरदार तालियां इस टीम के लिए, और सब लोग फौरन मैम के साथ हो लो। Yes, we have to start with you, our very special guest for this event. Give it up for Farah Khan, ladies and gentlemen. The ace director, and aajkal to digital domain pe bhi inhi ke chal rahe hain, inhi ke charche hain. She's everywhere, just killing it. Farah ma'am, I have a lot of questions for you. Lekin... Hello everyone, good afternoon. Wow. गुड आफ्टरनून का जवाब दे दो ना यार, आप फोन लेके शूट कर रहे हैं ना। अच्छा ओके ठीक है, बिकॉज मैंने कहा ना डिजिटल डोमेन को भी रूल कर रही है मैम। एक काम करते पूरी टीम को बुला लेते, फिर बड़े सवाल जवाब। वी विल स्टार्ट विद यज्ञ भसीन जो हमारे भीम साहब हैं। तालियां कबीर। फुल संस्कारी बच्चे हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ यार। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू ऑल इट्स अ फैंटास्टिक ट्रेलर। बहुत दिनों के बाद एक चिल्ड्रन फिल्म आ रही है जो बच्चे जाकर देख सकते हैं, पेरेंट्स कैन टेक देम टू द थिएटर। उसकी बहुत कमी थी, मेरे बच्चे तो अभी बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, वरना आई वुड हैव गॉट देम ओवर हियर, बट वी आर ऑल छोटा भीम फैंस एंड द ट्रेलर वाज स्पेक्टेक्युलर। वाओ वाओ, मिल गया। ऑफकोर्स यहाँ से आपको जब ये थोड़ा सा प्यार मिल जाता है तो और क्या चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन द मैन बिहाइंड दिस एंड ऑफकोर्स द डायरेक्टर साहब राजीव चिकला साहब के लिए जोरदार तालियां होता है। पर्दे पे भी हमने देखा है, उसकी भी बात करने वाले हैं यहाँ पे। ऑल्सो द को प्रोड्यूसर लेडीज एंड जेंटलमैन भरत लक्ष्मी पति। ओह गॉड, शी वाज भीम की मम्मी। हाँ, शी लाइक अचानक से ओह गॉड। सो प्रोड्यूसर्स वांटिंग टू सेव मनी और शी वाज एक्चुअली अ गुड एक्टर। शी इज डूइंग माय वर्क। यस, सेविंग मनी। ओह शी इज फैबुलस। ओके, एंड वी वांट द मॉम इन द हाउस इटसेल्फ। ओके ओके, मॉम नेवर चेंजेस। तो फारा मैम, सबसे पहले कंटेंट की आपने बात की, आजकल जिस तरह का कंटेंट आ रहा है, यू जस्ट यू नो टॉक्ड अबाउट दैट, बच्चों के लिए हाउ इम्पोर्टेंट इज इट कि यार कुछ ऐसा बनाया जाए ताकि सब सपरिवार जाके देख सके? आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है, होम ग्रोन इंडियन चिल्ड्रन सुपर हीरो बने, अदरवाइज वी आर ओनली टेकिंग देम टू वॉच फॉरन इंग्लिश फिल्म, वी आर टेकिंग देम फॉर अवेंजर्स एंड
हैरी पॉटर एंड वॉट एवर इज रिलीजिंग इंडियन में है ही नहीं, गिन के एक दो है. सो दिस इज द फर्स्ट लाइव एक्शन छोटा भीम जो आप लोग ने बनाई है. सो आई थिंक इट्स वेरी कमेंडेबल, क्योंकि हमारे बजट्स भी वैसे नहीं होते जैसे फॉरेन फिल्म के, बट आई थिंक हमारा मसाला ज्यादा होता है. सो आई थिंक द किड्स आर गोइंग टू एंजॉय एंड दीज किड्स आर स्पेक्टेक्युलरली टैलेंटेड एज वी सॉ व्हेन दे वर डांसिंग एंड एक्टिंग एंड डूइंग एक्शन एंड एवरीथिंग पॉसिबल. घर जाके मेरे बच्चों को मारूंगी मैं. मैम यही चलने वाला है हर जगह, बार बार दिखाओ. ए, कोई मारती थोड़ी है कोई भी. अब कौन सी बात सत्य हो आप बोलते हैं और मन में इच्छा होती है बट मारते नहीं है. ग्रीन गोल्ड स्टूडियोज, राजीव सर प्लीज मुझे बताइए ये कहां से ये सब शुरुआत हुई थी एनिमेशन में, वीएफएक्स में, यू नो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में आपको जाना जाता है, बट हियर लाइव एक्शन ऑफ दिस एवर सो पॉपुलर कैरेक्टर एंड दिस सीरीज, क्या क्या आया सर दिमाग में? आई थिंक हमारी शुरुआत ऑलमोस्ट 2003 में एक आइडिया के रूप में छोटा भीम आई थॉट अबाउट इट, लेकिन उस आइडिया को बेचने में मुझे ऑलमोस्ट 5 years लगा टू गेट इट फ्रॉम 2003 एंड आई वॉज वेरी परसिवरेंट बिकॉज मुझे लगा वी वर कॉन्स्टेंटली रिजेक्टेड ऑन द शो छोटा भीम. तो मैंने बोला नो, इंडिया नीड्स दिस, इंडियन किड्स नीड अ कैरेक्टर दैट दे कैन रिलेट टू, अ कैरेक्टर दे कैन लुक अप टू, बिकॉज अदरवाइज वी डोंट हैव एनी वन वी कैन प्राउडली से कि मैंने बचपन में ये कार्टून देखा. एवरीथिंग लाइक माई रेफरेंसेज आर ऑल इंटरनेशनल, नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट वी वुड लाइक टू हैव अवर होम ग्रोन थिंग. हमारे पास इतना टैलेंट है, वी हैव ऑलमोस्ट 400 मिलियन चिल्ड्रन एंड वी आर नॉट मेकिंग एनी कॉन्टेंट. आई फील वेरी, आई थिंक आई एम वेरी पेट्रियोटिक. आई थिंक सॉरी टू इंटरप्ट, इट्स इम्पोर्टेंट मेरे बच्चों को गांव, स्मॉल टाउन, लड्डू, ये वो देसी पन जो है वो छोटा भीम देखकर ही उन्होंने मोटू पतलू छोटा भीम, देव सीन ऑल दैट एंड देव ग्रोन अप. सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी कीप इट गोइंग. सो हमारी जर्नी ऐसी स्टार्ट हुई थी एंड देन इंस्टेंटली व्हेन छोटा भीम वेंट ऑन एयर इट बिकेम इंस्टेंट हिट. वहां से वी थॉट ओके 2-3 साल चलेगा, फिर 4-5, देन 7-8, 10-12, नाउ इट इज 16 years. वाओ, एंड 16 years एंड ऑसम, कभी तो मेरे बच्चे 16 साल के हो गए अभी. परफेक्ट टाइमिंग फॉर आवर शो. सो 16 years लेटर वी आर स्टैंडिंग हियर एंड हमें लगा कि हमें कुछ 2024 में कुछ नया देना चाहिए बच्चों को, इंडियन किड्स के लिए. एंड वी थॉट हाउ डू वी स्टार्ट मेकिंग किड्स फिल्म, वी वॉन्ट टू मेक किड्स फिल्म. आई थॉट कि बेस्ट वे टू स्टार्ट इज विद द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर इन इंडिया विच इज छोटा भीम फॉर किड्स. एंड हमें लगा कि दिस वुड बी अ ग्रेट मोमेंट एंड द चैलेंज वॉज ऑफकोर्स वी हैव नेवर डन लाइव एक्शन. तो हम लोग एसी रूम में बैठे हैं, वी आर डायरेक्टिंग द कैरेक्टर्स, दे आर ऑलवेज ऑन टाइम, देर एवरीथिंग इज ऑन टाइम, हमारे कंट्रोल पे, हमें मूड नहीं, वी डोंट डू इट. बट वेन इट कम्स टू लाइव एक्शन इट्स अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टूगेदर. सो वी हैड टू लर्न, बेसिकली अनलर्न वॉट वी लर्न इन द एनिमेशन स्टूडियो एंड डू इट अगेन. उसके लिए ऑफकोर्स देन वेन एवर फर्स्ट आई हैड टू बाउंस द आइडिया कि गाइस व्हाट डू यू थिंक, शुड वी डू छोटा भीम लाइव एक्शन, एवरीवन सेड यस. सो आई सेड लाइक लेट्स डू इट एंड देन स्टार्टेड फर्स्ट डे बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन. फर्स्ट डे व्हेन आई वेंट टू शूट, ये बजट में मजा नहीं आने वाला है, लेट्स स्केल इट अप. देन एज वी आई मीन यू विल सी सम ऑफ द फिल्म पोर्शन स्टार्टिंग के तो थोड़ा वीक पोर्शन है एंड देन वी सेड स्केल इट अप एंड देन वी वेंट मैड एंड देन वी गॉन ओवरबोर्ड. बट ओवरऑल आई थिंक व्हाट we have made the film from the heart and the film has come out very good. So I really hope and Indian audience will love it because that's the most important thing, and Indian children and just children, and Chota Bheem has today fans all over the world. It's on, there are different, so many spin-off shows created out of Chota Bheem. So very, very, very happy to be there. Of course, working with these lovely kids was an honor, and I know these guys are going to be famous in 10 days. So I think I'm very excited for all of them. And I'm very honored to meet Farha ma'am. I just met her a few days ago. And I've been a fan of your work. I mean everything from your direction. We've been fans of Chota Bheem. The only reason I agreed to come was because we have been watching it and my kids have grown up on it. So I felt that there was a connection. And we have Raghav, who yes. we need to call up. Of course. मैं बस बुला ही रहा हूँ राघव भाई से ना, वो कुछ थोड़ा परफॉर्म भी करवा लेंगे ना, थोड़ा एक वो रखते ना, मैं रख रहा था. मेघा मैम, हाँ जी, when he was talking about that budget,
वो एक बड़ी सी स्माइल थोड़े और बढ़ गई थी तो प्रोड्यूसर साहिबा के तौर पे थोड़ा सा बिकॉज शी वॉज नॉट पेड सो शी इज वंडरिंग वेयर द बजट वेंट आई एम डेफिनेटली नॉट पेड फॉर प्लेइंग भीम की माँ बट आई एम श्योर इंडियन ऑडियंस विल पे अस इन नो गेटिंग बैक टू थिएटर्स एंड सीइंग द मूवी एंड गिविंग लॉट ऑफ लव वाओ और रही बात बजट की तो लाइक ही सेड बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन हमने जो हमें आता था वो इरेज करके फिर नया सा कुछ सीखा है इन लाइव एक्शन सो फर्स्ट टाइम फॉर अस When we were on the set, we started थोड़ा सा करके देखते हैं and that थोड़ा never happened थोड़ा because हमारी desires बहुत बड़ी हैं हमें बहुत ऊंची उड़ान भरनी है तो उसके लिए थोड़ा इंजन में तेल ज्यादा डालना पड़ा but I think we've done a good job सब मन से करा है दिल से करा है और दिल से की हुई चीज हमेशा ऑडियंस को अच्छी लगती है उनके दिल तक पहुंचती है बस इतनी आशा इतनी आई एम श्योर मैम ऐसे ही होने वाला है रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल गया देखिए ना इतना सारा प्यार ऑलरेडी मिल गया सही कैन आई ऑल्सो इनवाइट अवर सुपर विलन दमयान आ नहीं पाए हाँ बट सुपर विलन की इतनी खूबसूरती के साथ डरा कैसे सकते हो आप किसी को बच्चे एंट्री अच्छी लगी क्वेश्चन अच्छा लगा हाँ ठीक है समझ गए विलन अच्छी लगी व्हाट डू यू हैव टू से मिस डिलन प्लीज बताइए हमें थोड़ा सा इस कैरेक्टर के बारे में वेल इट इज अ वंडरफुल कैरेक्टर एंड लाइक सर सेज एवरीबॉडी लव्स टू हेट स्नेक्स एंड आई एम प्लेइंग नागिन तक्षिका एंड मैं काल सैनिकों की को मैनेज करती हूँ मैं दमयान की फौज की सेनापति ओके जी बिग बॉस यार सो आई थिंक बच्चे मुझे हेट करेंगे तो हम सक्सेसफुल होंगे राइट उनको हमसे डर लगेगा तो हम डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे एंड बट मुझे बहुत मजा आया कैरेक्टर प्ले करने में एंड लाइक यू कैन सी इट इज अ ब्यूटिफुल आउटफिट एंड एवरीथिंग सो द एक्सपीरियंस वॉज वंडरफुल राइट भरत सर आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू एंड ऑफ कोर्स फॉर द एंटायर भीम सेना लेकिन जैसे फारा मैम ने कहा था ऑफ कोर्स थोड़ा म्यूजिक का तड़का भी डाल लेते हैं यहाँ पे गिव इट अप फॉर राघव साचर लेडीज एंड जेंटलमैन क्विकली इफ यू हैव टू यू नो सम अप दिस एंटायर जर्नी क्या बताया गया था कैसे यू नो बिकॉज एवरीबडी सो रिलेटिंग टू द सॉन्ग्स मजा आ रहा है मैम ने भी अभी वो हुक स्टेप नीचे किया और उनको भी बड़ा अच्छा लगा व्हाट डू यू हैव टू से वेल इट इज अ प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ किड्स फिल्म यू नो जब आई डिडंट हैव किड्स अबाउट 7-8 इयर्स अगो बट नाउ आई हैव टू किड्स व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली द सेम एज तो जब बच्चे आपके घर में होते हैं और आप बच्चों की फिल्म करते हैं दैट हैज अ वेरी डिफरेंट मीनिंग एंड बहुत मजा आया बिकॉज इनफैक्ट माई सन कियान हैज इवन संग इन द फिल्म along with me and hum bahut khush hain ki we are able to create I'm a part of such a big franchise which has been going on for so many years and I'm sure it will continue and aap log jab pyar denge music ko aur film ko aur jitna aap log pyar karenge utna hum log aur bar bar iske sequels bante rahenge rajiv ji I think also has the same plan and the kids will be we will be able to come and get you more and more entertainment for many years to come so really excited thank you for having me on this project sir thank you raghu bhai ek line to bani hai na ek line nahi mere hisab se to aap sabko gana chahiye gana suna ki nahi ha do sections hain ek section hai digi digi dum dum boliye dusra section hai chhota bhim 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 chhota bhim boliye so number 1 2 3 go diggy diggy dum dum 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 chhota bhim 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 chhota bhim chhota bhim 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 chhota bhim thank you that was superb rajiv sir thank you so much डांस सिखवा रहे हैं आप द लेजेंडरी फारा खान से और यहाँ पे ऑफकोर्स राघव भाई है वो गाना सिखा रहे हैं आप मतलब फुल ट्रेनिंग दे रहे हो इस फिल्म के साथ थैंक यू सो मच भारत सर क्विकली यू नो टॉकिंग अबाउट दिस कोलैबोरेशन सो लेट मी जस्ट टेल यू इट्स भारत बर्थडे टुडे सो आई थिंक वी शुड ऑल सेम हैप्पी बर्थडे बिल्कुल बिल्कुल राघव सर आपसे ही शुरू करेंगे क्योंकि हम तो अच्छा हैप्पी बर्थडे सबको आता है
वो तो सिखाने की जरूरत नहीं है. 1, 2, 3, गो. Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday, dear Bharat Bhai. Happy birthday to you. Thank you. Thank you so much. बर्थडे पे सर इतना प्यारा गिफ्ट मिल रहा है, ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, व्हाट डू यू हैव टू से? मैम, यू आर अ स्पिन मास्टर. यू मेड द बेस्ट बर्थडे. नाउ सी, इट्स योर बर्थडे, वी हैव टू सेलिब्रेट. सो अबाउट द फिल्म, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल छोटा भीम, वेरी प्राउड टू बी बॉर्न इन इंडिया. इट्स क्रिएटेड, इट्स द एक्चुअल टेस्ट ऑफ इंडिया, द पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया, द यूथ, द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया. So for the last 20 years we've been in public domain. This film is an invite to each and every child who watched Chota Bheem for the last 15-16 years to come to the theaters, respond to the franchise, the brand, the nostalgia of watching Chota Bheem. I'm sure all, most of the children here and everybody out there who have had a childhood where they have watched Chota Bheem. So our request is, you know, this is a film that's made for the fans. This is the film that's made for the kids. So if you are able to come and enjoy it in theaters, you know, we would love it. We will continue to make great films for kids and family, where kids and family could sit down and watch movies together and create that magic. So look forward to seeing you in the theaters May 31st. Thank you so much, sir. Thank you so much for sharing that with all of us. And of course, ab inko sunne ke liye hum bekar aa rahe. We'll start with Bheem. Quickly, mujhe batao, sabse zyada shararat kaun karta tha sets pe? Sab koi bhi bata sakte ho. Dholu bholu. Dholu bholu? Sab agree karenge is pe. Aap sabse zyada shararti the set pe? Ha. One word answer, khatam kar diya. Mujhe bolo, tumhare hisab se sabse zyada masti kaun karta tha? मैं. ये खुद रॉक स्टार है. क्विकली, जल्दी से, वील स्टार्ट विथ यू चुटकी. जल्दी से मुझे अपने कैरेक्टर के ये बताओ कि क्या सबसे अच्छी चीज थी जो हमेशा याद रखोगे अपने लिए? पूरा शूटिंग. पूरा शूटिंग? सर ने कितना परेशान किया? अब असली बात करते हैं. कभी परेशानी किया? हमारे साथ ही खेलते थे, मस्ती करते थे. कालिया, आप बताओ, किसी को डांट पड़ी सेट पे कभी? आई थिंक जो माहौल बन गया था सेट पर, सब एक फैमिली जैसे बन गए थे, तो उसमें डांट पड़ने की तो मुझे लगता है इनको मिस इंडिया में भेज रही हूँ. कौन सिखा के लाया इनको? आप बताओ, इंदुमती, हाउ वाज इट? कितना मजा आया सबके साथ? बहुत मजा आया. सबसे ज्यादा परेशान कौन करता था? बोलू बोलू. हमेशा? हाँ. क्या करते थे? बहुत मस्ती. बहुत मस्ती. राजू को पूछेंगे. राजू, राजू बताओ. कालिया भैया. कालिया भैया परेशान करते थे ना? नहीं बोलना था वो. अच्छा ठीक है. कालिया भैया हमारे लीडर होते थे. अच्छा. ये सबको परेशान करते थे और फॉरएवर टाइमर बनाते थे. पोस्ट करते थे ये सब खेलते. क्या होता है वो फॉरएवर? फॉरएवर टाइमर. उसमें मतलब आई वो बार बार पकड़ेगा और जो आउट हुआ वो वापस पकड़ेगा. हम अक्सर होटल रूम में पकड़म पकड़ाई खेलते थे. जब ये लोग कुछ भी मस्ती करते थे, मैं बोलता अगर ये किया तो हमेशा के लिए डाइनर बन जाओगे. अब मैं समझ रहा हूँ बजट क्यों बढ़ रहा था जब, है ना? इसीलिए मैम भी वहां से बता रही. राजीव सर हैंडलिंग ऑल दीज किड्स एंड वंडरफुल किड्स, यू नो, टैलेंटेड किड्स. लेकिन वो कहीं कभी लगता था कि यार बॉल खींच लूं मैं, क्या कर रहा हूँ मैं? एक्चुअली मैंने सोचा शूट से पहले वही होगा, बट ऑनेस्टली दिस किड्स आर अ ब्लेसिंग सेंट एंड वी थैंक मुकेश चाबरा फॉर फाइंडिंग दीज. वेयर इज मुकेश? हैज ही कम? I think he is done. Is he and his team, yeah. Sonali, and they have done an amazing job of finding these, yes, wonderful kids. And to be honest, yeah, hum log thak jate the, lekin ye log kabhi thake nahi aur thakenge bhi nahi. I think these energy levels are something else. In the hot desert, we were shooting in Jaisalmer. I think 42 degrees or whatever it was. Everybody, crew members, the toughest of the guys were tired, and these kids barefoot running in the desert, kicking, throwing sands at each other, and they were. बहुत देवर लाइक एंड देन वी थॉट शुड वी शुड ऑल्सो बी किड्स. राइट राइट, बट यू डूइंग अ लॉट फॉर द किड्स. 31st को वील गेट टू सी दिस. क्विकली वन लास्ट क्वेश्चन भीम, जल्दी से मुझे. सॉरी, यू वॉन्टेड टू से समथिंग? जी सर. राजीव सर और मेघा मैम और
सपोर्टेबल और लवेबल भी थे, हमारे साथ हमेशा मस्ती करते थे। राजीव सर जाएगी मिस इंडिया में, हाँ दोनों जाएंगे। राजीव सर हमारे लिए पेपर प्लेन्स भी बनाते थे। वेरी गुड। या भीम साहब जल्दी से मेरे को यहाँ पे बताओ, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ आपसे भी पूछूंगा। मुझे ये बताओ कि ये एक एनिमेशन कैरेक्टर है, एनिमेटेड कैरेक्टर है, जो इसको इतना सारा प्यार ऑलरेडी मिला, जब आपको इसके लिए कास्ट किया गया तो क्या था सबसे पहली चीज? मुझे तो गूज़बम्स आ रहे थे। हाँ, क्योंकि मैं पहले से ही छोटा भीम देखता आ रहा हूँ। हाँ, तो इट वॉज अ वंडरफुल फीलिंग। राइट, यस। स्कूल में लड़ाई मारधाड़ करते थे पहले से? हाँ बोल दो। गेस कर सकते, गेस कर सकते हो। आप कुछ कहना चाह रहे हो जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो। चुटकी को भी भेज दो एयर इंडिया में। एयर इंडिया नहीं, मिस इंडिया। मिस इंडिया, ये मैं मिस इंडिया बनूंगी। ऑलरेडी यहाँ पे मिस इंडिया है ही। यहाँ भेजना है वही भेजो, पर काम नहीं करवाना इससे, ये करवाना तुझसे करेंगे। अच्छा, ये पारिवारिक कभी करेंगे। वील कम बैक टू दिस क्विकली, वील टेक योर क्वेश्चन जल्दी से। एयर इंडिया फारा मैम, एक से एक जी आइए। कहाँ से आ रहा पहला सवाल? आई सी वंडरफुल पीपल, हमारे जो कमाल के जर्नलिस्ट है वो अपने साथ बच्चों को लेके आए, आ जाइए। नो यू आर नॉट माई कॉन्कर। एम आई ऑडिबल? यस। हाई फारा मैम, आई एम फ्रॉम CNN न्यूज 18। सो आई मीन यू सेड दैट यू नो यू are here today largely because of your love and fondness for Chota Bhim. But I think, you know, not to take away anything from this team, but I think when a filmmaker of your caliber also joins hands with them, it definitely helps, you know, take this story travel and, you know, take it wider. I'm sure all of you will agree. But I want to ask you, has it ever happened in your career that, you know, you were working on a film and you needed somebody's support, somebody who is more credible, and it happened? Everyone knows there was one person who said, "Main hu na." So, woo, in my career, always is. Ji, Mayur sir, you have a mic? Okay, I'll come to you. Huh. Hi, Raghav. Firstly, congratulations to the entire team for this wonderful trailer. My name is Siddharth, I'm from Filmi. You know, in the West, we have lots of live-action films, but in India, we're making Chota Bhim. How was it to create music for this film? Very challenging, I have to say, because, you know, there are, now we are on the way to finishing the film and we are doing fight sequences. Have you seen the trailer? There is so much happening in it that they are going from places to places. There are so many themes. Now, I've done background in the past, but there are so many themes that we have made in the film, which is unlike any other. And they are there on an adventure. So we have to kind of, you know, take it a notch up every time that you have to do that. So making songs is, I would say, a far easier job rather than creating background scores, you know, because it's a very lengthy process to do and to get the right sound, to get the right vibe in and the right instrumentation. So I've really had a blast working, and it's been a learning experience as well simultaneously. But making the songs, we were really, really happy doing it, because we have Shan in one of the songs, we have Sukhi Paji in one of the songs, I have sung one of them. We have multiple other junior artist singers to find them, to get them, to groom them, to be able to sing and, you know, kind of make this entire film. It's been a fabulous journey, and I really, really thoroughly enjoyed it. I hope you guys all love the music. Hello. Hi. I, 1 minute. Our two marketing people, you all need a room? Non-stop, you all both are talking. Non-stop. Sorry. Hello, Farah ma'am. This is Amar from Amarazi. You yourself are asking me? Yes, yes. You yourself are a mom of three kids, and you told that your kids are also big fans of Chota Bhim. So, if you want to talk more about their fandom and your fandom about the stories which you have, your memories with watching Chota Bhim with your kids, and how do you curate content for your kids, what they will watch? They are 16 now. They are curating it for themselves. But in the beginning, I mean, I didn't have to curate it. They found Chota Bhim. I think the maids started watching it, the nannies, and then the kids got hooked onto it. And just now also, before last night, I told them
they have given me a whole rundown of all the characters from the series. It's sad they would have come today, but as of now, like I said, they are giving board exams. So I think it's important. I curate it in the sense that they know that 16 plus, they cannot watch. They have to watch below, even if it's not that adult, but still they have to be watch only age appropriate stuff. I hope they're doing that. Faraji, mera sawal aapse hai. Ye. Haan ji. Mera sawal aapse ye hai ki aapne bahut bade bade Shah Rukh Khan ji, Akshay Kumar, sare bade heroes ke saath kaam kiya aur aap ek tarah se dekha jaye to jo commercial cinema hai uski queen kahi jati hain. तो उस लिहाज से जो बच्चों की फिल्में हैं, अनुराग ठाकुर जो हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने थोड़े दिन पहले कहा था कि बहुत ज्यादा उनको जद्दोजहद करनी पड़ती है क्योंकि ये फिल्में बहुत सिंपल होती हैं, बच्चों की फिल्में होती हैं, तो उनको कमर्शियली हिट हो उसके लिए क्या करना. देखो, मैं यही कह सकती हूँ, मेरी जितने भी फिल्में मैंने बनाई हैं, आई थिंक वो सब बच्चों की फिल्म ही थी. I think kids love those films more than anything else. So I think even as a, it doesn't specifically need to be told children's film. फिर वो क्या होता है, फिर हम मुद्दे वाली फिल्में बनाना शुरू कर देते हैं. वो but what do children like? They love Happy New Year. They like to watch मैं हूँ ना, और movies like that. They like कुछ कुछ होता है. Things like they also like as children. We also used to watch Manmohan Desai movies and we want entertainment as kids. We don't want a message being told. तो आज वो तो हमको स्कूल में मिल ही रहा है. सो आई थिंक द चैलेंज इज टू मेक एंटरटेनिंग फिल्म्स दैट आल्सो चिल्ड्रन कैन वॉच. थैंक यू. आई थिंक यस. यज्ञ, मेरा सवाल तुम्हारे से है कि अभी हमने देखा था कि आप आउटडोर के लिए शायद बाहर भी गए थे, जयपुर वगैरह गए थे, तो काफी आपके फैंस थे. तो जब आप बाहर जाते हैं तो आपको क्या रिएक्शन मिलता है, स्पेशली गर्ल्स का, छोटी छोटी? ओह माय गॉड, हाउ ओल्ड आर यू? नॉर्मली रिएक्शन मिलता है, बट एट दिस एज द रिएक्शन हैज टू बी यक बॉयज अप्रोप्रिएट रिएक्शन. आई थिंक ही इज ब्लशिंग. एक्सक्यूज मी, माय क्वेश्चन इज टू योर लेफ्ट, टू योर लेफ्ट. माय क्वेश्चन इज टू द प्रोड्यूसर्स. पहले तो ये जितना बड़ा लेगेसी था एनिमेटेड मूवी से था, but to create a whole different series of it in a very reality zone, kuch aisa uske piche reason tha ki kyun yahi banana hai, because I have kids in my home and wo log animation nahi dekhte, unhe bilkul nahi pasand aata. I think that was the reason. Yeah, exactly. So jaisa ki aapne kaha that Chhota Bheem itself is a legacy and hum sab 16 saal se bacche bade kahin na kahin we all are watching, like Farah ma'am said, no nannies, drivers, sab koi dekhte hain. तो जब हमने एज अ कंपनी ये सोचा कि व्हाई डोंट वी गेट समथिंग ऑन अ बिगर स्क्रीन सिनेमास के लिए, क्यों नहीं अपने यू नो इंडियन ओरिजिन का कुछ लाया जाए. बाहर वाले आते हैं, विदेशी कंपनियां हैं, हम देखते हैं, नो हार्म इन दैट, बट व्हाई नॉट समथिंग दैट बिलोंग्स टू अस एंड यू नो वी कैन बी प्राउड ऑफ. सो व्हेन वी हैड टू मेक समथिंग फॉर आवर ओन इंडियन किड्स, व्हाट बेटर कैन देन बी छोटा भीम. सो दैट्स व्हाई वी चोज भीम टू बी ऑन द बिगर स्क्रीन. एंड या दमयान इज a very nice negative fantasy character, so this story has fiction, drama, music, dance, everything. It's a complete family entertainer, I would say. And just like we were talking about kids movie, I would say ki hame ise kids movie ke liye label nahi karna chahiye. It belongs to all those who are now in their early 20s, young parents, grandparents who have watched Bheem ek time pe, ek zamane mein. Unke liye it will be a nostalgia feeling ki are Bheem bade parde pe aa raha hai, chalo dekh ke aate hain kya hone wala hai. So I would say it's a family entertainer. I think kids are in the mood. Your question, I would tell Mr. Thakur that you make a kids movie that grown-ups also want to see, then it will do well. We make it so simplistic ke bachcho ko samajh mein nahi aayegi, children understand everything. Hello, hello, Raju ji yo. Raju ji yo. Upar idhar idhar. Haan ji, haan. Ye haath uthaya maine. Sir yo. Haath uthao sir. सर यो वो आदमी हाथ उठा रहा है उधर, क्यों पता नहीं तू क्यों हाथ उठा रहा है? राजू जी, रमेश राव फ्रॉम द फिल्मी चर्चा, यू नो मी. सर सबसे पहला मुबारक आपको कि आपने ये भीम जैसा स्टोरी को लिया.
मैं थोड़े दिन पहले दुबई में था, मेरी बेटी वहाँ काम करती है, तो वहाँ पे एंड एवरीवेयर इट इज, मैं ऐसा दुबई का नाम इसलिए लिया नहीं क्योंकि मैं वहाँ गया था शोइंग ऑफ, हां यस सर, तो वहाँ पे मेरी जो 3 साल 4.5 साल की पुती है वो सब देखती थी कार्टून, उसमें वो शैतान का भी, मैं किसका नाम नहीं ले रहा हूँ, सब कार्टून आते हैं ना, आप देखते हैं आप चैनल में, तो मैंने उसको छोटा भीम दिखाया, मैं बोला बेटा ये देख, वो देखते देखते उसको आदत हो गया सर, और उसको देखते देखते मेरे को भी सब कैरेक्टर के नाम याद आ गए, इंदुमती, धौलपुर, ये मार्केटिंग वाले को निकालो और उनको रखो, ही हैज डन मोर फॉर योर फिल्म, धौलपुर का राजा, फिर वो मिठाई की चोरी, फिर लड्डू का चोरी, करेक्ट सर वो सब, एब्सोल्युटली थैंक यू, नहीं कुछ नहीं, जो मैं देखा मैं बोला ये बच्चों को सिखा। और दूसरा मेरा सवाल, व्हाई यू टुक दिस भीम ओनली, महाभारत में तो कृष्ण भी है अर्जुन भी है, आपने भीम को ही क्यों चुना? आई थिंक सी वन ऑफ दी, मैंने देखा मेरे भाभी वाज स्ट्रगलिंग टू मेक हर किड्स ईट जब वो छोटे थे ना, तो आई रियलाइज ये प्रॉब्लम पैन इंडिया है कि हर माँ बच्चों को खिलाना चाहते और बच्चे खाते नहीं है, सो आई थिंक समवेयर आई वॉन्ट टू टेल द किड्स दैट ओके बाय ईटिंग यू विल बिकम स्ट्रांग, एंड भीम वो कैरेक्टर है, आई मीन लाइक वी आर इंस्पायर्ड फ्रॉम भीम ऑफ महाभारत, भीम वो कैरेक्टर है, वो ही ईट्स वेल एंड दैट इज वाई ही इज स्ट्रांग एंड ही ईट्स द राइट थिंग्स ऑल्सो, तो हमारी इंस्पिरेशन वहां से है कि आप ठीक से खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, देन यू बिकम स्ट्रांग एंड हाँ जी वो तो आपको आके सिनेमाघर में देखना पड़ेगा कि ईविल को मारा था कि नहीं मारा था। पारा जी आपको भी दुबई में वो इम्पोर्टेंट है। पारा जी आपने बताया कि आपकी फिल्म जो है बच्चों पर बेस्ड होती है, तो वो नहीं, बच्चों पर बेस्ड है कुछ भी, ये ऐसे देख रूमर स्टार्ट लाइक दिस, मैंने बोला मेरी फिल्में बच्चों पर बेस्ड होती है, आई सेड चिल्ड्रन माई फिल्म्स आर यू सर्टिफिकेट मोस्टली दे आर फैमिली, दे आर किड फ्रेंडली फिल्म्स, यू विल नॉट सी एनी काइंड ऑफ एडल्ट कॉन्टेंट इन इट और बैड लैंग्वेज और देर ह्यूमर, देर डांसिंग, देर सिंगिंग, It kids like my movies. तो आपके अंदर वो ऐसी कौन सी बात है जो आपको अभी भी बच्चा बनाकर रखती है? नहीं, I think मेरा personality beginning से ही ऐसा है. If someone reminds me of how old I am, even I can't believe it. Because I think you have to find joy every day in something or the other. You have to enjoy your life. So I think I do that. और मैं राघव मेरे को पूछ रहा था कि मैं यंग कैसे लग रही हूँ, ऐसे मैं स्ट्रेस नहीं लेती हूँ, और अभी भूख लग रही है मेरे को, स्ट्रेस हो रहा है, तो फारा जी आप भी मानती हैं कि हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बच्चों पर कंटेंट बहुत ही कम बनता है एंड बच्चों पर फिल्में बहुत ही कम आती है, तो आप वी हैव फैमिली फिल्म्स बनती है, आई थिंक चिल्ड्रन एंजॉय वॉचिंग दोज, इफ यू आस्क एनी चाइल्ड दे विल से माय फेवरेट एक्टर इज शाहरुख खान और ऋतिक रोशन और इवन टाइगर श्रॉफ, so they like watching those movies, so it's not like bachcho, like you said children's film, this is an exception, again we are saying this is not a children's film, parents should also go see it, but it's a family film, I think Karan Johar makes family films, Yashraj makes family films, so family films are there, uska to Rajshri has been making family films from so long. To kya aap ye bhi mante hain ki hamare Hindi film industry mein मेल एंड फीमेल एक्टर के ऊपर जितना खर्चा होता है उतना, ये देखो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, भीम से उतना खर्चा अगर राजीव जी एंड यू तो मिलके अगर ऐसी फिल्मों पर आए तो और सारी बच्चों पर वो खर्चा वो फिल्म में जाना चाहिए, वो खर्चा वो हमको नहीं देंगे हमारी फिल्म में जाने के लिए, जो उनके एक्टर एक्ट्रेस है वो उनका पैसा बचा के उनकी फिल्म में डालना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वहाँ पैसा बचेगा तो वो प्रोड्यूसर हमको देगा कि आप ले लो। जी मयूर सर माइक है, आगे एक माइक दे दीजिए प्लीज। हाय दिस इज मयूर हियर फ्रॉम बियॉन्ड बॉलीवुड, फर्स्टली थैंक यू नितिन, मेरा एक सवाल है राजीव जी से, 16 साल का इतिहास है, अनगिनत एपिसोड्स, और इफ आई एम करेक्ट इसी दामियान की स्टोरी पे एक ऑलरेडी एक एनिमेटेड फिल्म शायद बन चुकी है, आपने बनाई है, सर आप मुझे बता सकते हैं कि अब जब आपने लाइव एक्शन का फैसला लिया तो क्यों इसी स्टोरी को लिया? आई थिंक या आप सही पहचाने, छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ दमयान 2012 में रिलीज हुआ था फिल्म,
एंड वो इनफैक्ट थिएटरिकल रिलीज था और बॉक्स ऑफिस में अच्छा किया था. एंड आफ्टर 12 इयर्स आई फेल्ट कि एक तो है वो स्टोरी सक्सेसफुल है, बच्चों को अच्छा लगता है, एंड इसको ही थोड़ा और इम्प्रोवाइज करे वर्क विद नीरज जी एज अ राइटर एंड वी इम्प्रोवाइज वो स्टोरी को एंड इट बिकम्स ईजियर बिकॉज वी नो दैट स्टोरी वर्क्स एंड इट इज ऑलवेज ईजियर टू पिक अ स्टोरी दैट वर्क्स एंड यू नो एड मोर लेयर्स टू इट एंड देन टेक इट टू द ऑडियंस. एंड आई थिंक दिस आई हैव लर्नड फ्रॉम वॉचिंग द सम ऑफ द फिल्म्स मेड बाय डिज्नी लाइक जंगल बुक दे मेड इन टू लाइव एक्शन. Similarly, Lion King, they kind of made it reality. Aladdin and other films. So I'm definitely inspired by them. I felt ki hume bhi hamari show ko karna chahiye. And I thought ki this is the best story. And of course, Damian is an awesome villain. And like I said, snakes, children love to hate snakes and that, and even adults, all of us, actually. So I think Damian as a villain will stand out. And I'm actually lucky to have cast like Anupam Kher and other Makranji, Navneet Kaur, Mukesh Chabran, all these guys, plus his kids. So I think we have a winner on hand. Next question is for Navneet. आपने शुरुआत में जिक्र की कि कैसे ये negative character है, snake है, और आपने कहा कि you don't want kids, these kids to be liking you. So like, were you trying to keep your distance on the sets with these kids कि ये आपसे ज़्यादा घिल में मिले नहीं? Not at all. Nobody can keep the distance from them. We played a lot. इन्होंने मुझे दोबारा से ऐसा feel करा दिया कि मैं school में हूँ. हमने फ्रॉम संडे मंडे गेम्स टू पोशंपा क्या क्या नहीं खेला. सो आई थिंक सर रियली हैड टू पुल अस आउट फ्रॉम दोस थिंग्स एंड से अभी शॉट भी दे दो. सो इट इनफ ऑफ यू डूइंग ऑल दिस एंड द मोमेंट आई वुड गेट ऑन स्टेज आई मीन ऑन सेट दे यूज टू फील बस हमारी दोस्त आ गई है तो हम खेलना शुरू कर देते हैं. सो इट वॉज फन. आई डिड नॉट कीप एनी सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस एंड कुछ कहना चाहेंगे नवनीत दीदी के बारे में? Yeah, I think from playing cricket and playing Ludo and playing Sunday Monday games, I think football. I think Chutki has to say a lot because she was her best friend. Yeah, she taught me a lot of games. Like Sunday Monday, then ice and water, then tag. ये अभी बहुत सारे ऐसे ऐसी चीजें हमको भी सीखने को मिलेंगी यहाँ पे इस कमाल की कास्ट के साथ. एक बार जोरदार तालियां. थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर बीइंग हियर. फारा मैम थैंक यू सो मच फॉर